अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ना आज सुबह से बादल छाए हुए थे खूब घने घने, तो मैं किचन में काम कर रही थी दोपहर के टाइम, तो बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा चलो ऊपर छत पर तो नहीं जा सकती, यहाँ से बारिश निकल के देखती हूँ। और थोड़ी देर में काफ़ी ज़्यादा जो है ना बारिश तेज़ हो गई थी, और साथ ही जो है ना सारी गली भी बारिश से भर गई थी। फिर मैंने कहा चलो हांडी तो मेरी पकी रही है, चलो मैं छत पर जाके जो राउंड लगा दिया थी, ऊपर देख लिया थी, छतरी संभाली और मैं जो है ना ऊपर आ गई। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था बारिश में। तो जना मेरा भीगने का बिल्कुल भी कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि पहले ही हानिया नहा के कपड़े गीले कर चुकी थी। बस जो है ना मैंने कहा कि बस छतरी लेके जाती हूँ, छतरी के साथ थोड़ा सा ना ऊपर इन्जॉय करके आती हूँ 15-20 मिनट के लिए। तो आज मैं बना रही थी कड़ी, और कड़ी मैंने बनने के लिए रखी थी मसाला वगैरह बना के ना उसका। तो फिर मैं आगे दूसरा छतरी लेके मैंने चलो ये खुद ही पकनी है पकती। तो यहाँ पे हमारा जो पुदीना था ना वो तकरीबन घास के जितना जितना बड़ा हो चुका था, और छत पे चक्कर ही नहीं लगता है मेरा ना जो है ना, बस तो काटने का मौका मिलता है, पता ही नहीं चलता कौन कौन सी सब्जी जगह कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर लेमन भी आ गए थे छोटे छोटे, बड़े प्यारे लग रहे थे, ग्रीन थे अभी तो, लेकिन अभी येलो होंगे तो फिर ये खाने के काबिल होंगे। मेरा तो दिल करा था इधर चेयर रख के ना, तो ऊपर मैं छतरी लेके तो बैठ जाऊँगी छत पर खूब बिना इंजॉय करूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। और मैंने बाल्टी पता तेज हो गई थी ना, कि मैंने कपड़े बाल्टी नहीं थे फटाफट कपड़े भी मशीन हो गए थे। तो यहाँ पर हमारी भिंडी लगी हुई थी, भिंडी जो है माशाल्लाह से वो भी पक पक के ना ऊपर छत पर ही पक गई है कि उसको उतारने का मौका ही नहीं मिला। तो ये वाला क्लिप जो है ना ये कोई उसके ना 2-3 घंटे बाद का है, क्योंकि सारे खाना खा चुके थे, मैं रह गई थी बस ना। तो मेरे लिए जो गैस बंद हो गई थी पकौड़ों का ना, बस एक ही राउंड निकल पाया था, तो वो बच्चों ने खा लिए थे। तो बस मुझे ऐसे ही जो है ना वो भी 2-3 घंटे बाद दोबारा रोटी बना के मजे जब गैस आई, तो फिर मैंने रोटी खाई है। तो मानो आ गया तो मेरे साथ जुड़ गया। पता देखो बात तो सुनो, पहले मुझे नहीं था पता कि ये भी इतने शौक से खाते हैं, टाइम नहीं देखने का। मुझे देख लग रहा था कि इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मेरे साथ पहली बार ही खा रही थी कड़ी, और बड़ा इसको ना इंजॉय कर रही थी। वो देखो बैठ के ऊपर रख दी रोटी, जो मौसम भी ऐसा हो गया था मैंने कहा चलो कड़ी बना लेती हूँ। भूख लगी हुई है, पूरा हफ्ता ही हो गया था ना कि जो भी मसाला वगैरह बना रही थी ना, कि वो दोपहर को रात को ही चलता था, सुबह मुझे रोज अंडे बनाने पड़े थे, और इतनी गर्मी में हम लोग इतने अंडे नहीं खाते डेली। तो मैंने सोचा आज वो चीज़ बनाती हूँ जो मेरी ना तकरीबन 3-4 टाइम जो है ना मैक्सिमम चल जाए आसानी से। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो था ना वो कड़ी थी, क्योंकि जो एक मौसम भी होगा साथ से साथ पकौड़े वगैरह भी बन जाते, तो जो ना बच्चे जो है ना उसको मतलब लगे कंटिन्यूसली इनको 2-3 दिन में खिलाती भी रहो ना तो ये तंग नहीं आते इस चीज़। और कोई भी सब्जी हो तो बस 2 टाइम खा के कहेंगे अब और कुछ ले रहे हो। तो बस यहाँ पे हो चुका था असर का टाइम, तो जो ना उस टाइम पे गैस भी आ गई थी, असर के बाद का तकरीबन टाइम है। तो मैंने कहा चलो चाय बनाती हूँ, साथ जो है ना पकौड़े बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर को बनी नहीं थे पाए, सारी कड़ी जो ना खाली खाली पड़ी थी। तो साथ मैंने कहा चलो चाय के साथ इंजॉय भी कर लूँगी 1-2 पकौड़े, क्योंकि दोपहर को जो खाना खाया था ना पकौड़ों के बगैर कड़ी, तो वो मज़ा नहीं था आया इतना, क्योंकि पकौड़ों के साथ खाने का ज़्यादा मज़ा आता है कड़ी। और मौसम के साथ ना अब सही मैच हो रहा था कि हाँ बारिश हो रही है, और जो ना बस जब पकौड़े अब निकले हैं तो अब ज़्यादा तसल्ली हुई कि मौसम के साथ मैच हो गया सही। बस जो बेसन मैंने बनाया था ना वो सारा का सारा मैंने निकाल के, तो कड़ी को फारग करना था कि इसके अंदर सारे पकौड़े डालने थे। और जो ना दिल तो मेरा ये था कि मैं ना कड़ी के साथ चावल बनाऊँ, क्योंकि इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, कड़ी के साथ चावल अच्छे लगते हैं। तो बस ना मैं बना नहीं पाई, क्योंकि एक तो गैस जो है वो टाइम से ही बंद हो गई थी, कि मैं रोटी भी नहीं थी बना पाई, रोटी भी बाज़ार से मंगवानी पड़ी थी और बारिश के अंदर वो भी, फिर जब गैस आई तब मैंने खुद अपनी बना के खाई थी। तो और जो है ना सबसे बड़ा मसला जो था ना ये कि इतनी गर्मी में खड़े होकर पहले इतना टाइम मुझे इसको लगा, तो उसके बाद जो है मैं चावल कैसे बनाऊँ, फिर मैंने इरादा तरक कर दिया अपना। और बस ना सारे पकौड़े मैं निकाल के कड़ी में डालती गई, मेरे ना माइंड से ही निकल गया कि मैंने जो पकौड़े रखने थे, तो लास्ट पे 2 पकौड़े जो ना मेरे हाथ आए कि बस ये मैंने कहा चलो 2 ही खा लेते हैं यही सही। और जब भी बारिश होती है तो पकौड़े तो लाजमी वैसे भी बनते ही हैं, लेकिन साथ आज कड़ी हो गई थी तो बस क्या ही बात हो गई। तो बस जी मैं यहाँ पर अपनी चाय इंजॉय कर रही थी, और अगर ये चाय और पकौड़े कोई और बना कर देते तो क्या ही बात हो जाती है, सुबहान अल्लाह मैं कहती हूँ। तो जी यहाँ पे जो ना अब ये टाइम जो है नेक्स्ट मॉर्निंग का है, तो नाश्ते से भी मैं फ्री हुई थी, तो ये ना पूड़े आए थे किसी के घर से, अब पता नहीं ये बारिश की वजह से बने थे मीठे पूड़े, वो पता नहीं कौन कौन जानता है इस चीज़ को कि कौन नहीं, लेकिन यहाँ फिर कल यकम मुहर्रम भी थी या ये मुझे नहीं पता ये किस सिलसिले में बनाए थे उन्होंने। वैसे मैंने तो सुना था कि ना बारिश में लोग बनाते हैं ये ऐसी चीज़ें,
मेरी अम्मी भी बनाती होती थी बारिश में ना, तो काफ़ी मज़े का था। बस मैंने सब बच्चों में ना इसको तकसीम किया, मैंने कहा चलो सारे मिलके खाओ, एक नई चीज़ है, ज़रा इंजॉय करो इस चीज़ को भी। इसके बाद हम आ गए थे छत पे, क्योंकि जो है ना आटा भी तकरीबन ख़त्म होने वाला था। यहाँ पे मैंने जो है ना गंदम धो के रखी हुई थी छत पे, तो एक जो है ना बोरा हमने पिछले महीने करवा लिया था, वो भी आटा बस ख़त्म ही होने वाला था। तो अब जो हमने नेक्स्ट भेजना था, तो मैंने बड़ा ना मुझे अच्छा लग रहा था कि मैंने शुक्र है कि ना टाइम से 2 महीनों का मैंने करके रख लिया, क्योंकि अब जो बारिशें ऐसी लगी हुई हैं कोई मौसम का पता ही नहीं चल रहा था और बादल भी हर वक्त रहते थे छाए। तो बस अभी मेरा हुआ था कहाँ, तो बस आटा भेजा पीसने के लिए, तो आटा आ गया पीस के। गेंद जो है ना वो दोपहर का टाइम हो गया था, और फिर से मेरे साथ वही हुआ जो एक दिन पहले हुआ था, फिर से पकौड़े ख़त्म हो गए। बच्चों ने इतने शौक से खाए थे ना कि वो चम्मच के साथ ही कड़ी पकौड़े जो है ना निकाल निकाल के खा गए। वैसे भी आमतौर पर ये बात है कि जो ना एक दिन जो चीज़ है ना वो फ्रेश इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो नेक्स्ट डे है ना वो ज़्यादा मज़े की चीज़ लगती है और खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे पकौड़ों के बगैर ही क्यों ना हो। कड़ी पका कर ना खूब इससे पैसे वसूल किए मैंने। तो आज की वीडियो थी बस यहीं तक, इस तरह मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।